ये आग में क्या लगा है जी आपके? कितना क्यूट लग रहा है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज देखिए, आज मेरे बेटे आपको आज मेरा बेटा आपको कुछ नया दिख रहा होगा। क्यों नया दिख रहा है? क्योंकि इसने काजल देख लिया मम्मी ने जो घर पे बना के रखती है, और इसे सडनली शौक लगा कि मुझे भी लगाइए, मुझे भी लगाइए, और मुझे भी छोटा बाबू बनना है। और देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये। तो मैंने इसे लगा दिया। अभी तो आदत छूट गया है, मैं पहले इसे बहुत काजल टीका ऐसे लगाती थी, अभी तो आदत छूट गया है, बट बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यही से मैंने सोचा कि ये तो रहना चाहिए मेमोरी ना इसकी। ये भी जब बड़ा होगा तो देखेगा कि क्या क्या इसकी फरमाइशें थी। थोड़ा ठीक से फेस करो, थोड़ा इधर दिखा दो ऐसे ऐसे। हाँ ये देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो। हाँ देखिए कितना अच्छा से काजल लगाया है मैंने, और अभी भी मैंने काजल इसका फैलाया नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। जबकि ये दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के खींच दे रहा था। मैंने बोला कि नहीं, जब तुम जिद कर रहे हो तो वो काजल लगा के या छोड़ूंगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाहर पापा को एक किट्टो लाना था, तो पापा ने बोला कि लेते आना, मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस हम लोग जा रहे हैं वही लेने के लिए, एक पापा के किट्टो लेके आ जाए। वो ट्राई करेंगे, साइज़ वगैरह ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को एक्सचेंज करना जाना होगा। इसलिए मैंने बोला कि चलिए अभी लेके आ जाते हैं। और धूप तो बहुत तेज़ हुई है यहाँ पे, ऐसी ठंड है ना कि धूप में रहने पे गर्मी लगने लग रही है, और जहाँ छाया में आप जा रहे हो तो हवा चल रही है ठंडी जैसा है, तो ऐसा ही ठंडी यहाँ पे पड़ता है, क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मार्केट। यही ले लें, एक ही पीस है, गजब वाले है। पापा के साइज का मतलब किट्टो था ही नहीं, पापा में होता है 10 नंबर और यहाँ था 9 नंबर, तो लेके फायदा क्या था। उसने बोला कि एक सप्ताह बाद आने को, एक सप्ताह बाद आएगा 10 नंबर। अब देखते हैं पापा क्या बोलते हैं, कहीं और से लेने के लिए फिर खादिम से ही, तो वो तो आएंगे जब काम पर से, उसके बाद ही पता चल पाएगी। तो फिलहाल चलते हैं घर। हम लोगों का जो काम था वो तो हुआ नहीं। ये बन रहा है आलू का भुजिया, बेटा के लिए उसे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे सभी बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आज हम लोग गए थे पापा के लिए वो किट्टो लाने के लिए, तो छोटी मछली दी थी, बहुत दिनों से नहीं बना था, मतलब बहुत दिनों से, क्या सालों से नहीं बना था। तो मैंने बोला कि ले लेते हैं मम्मी बनाइए, बहुत दिन हो गए हैं उसको खाए हुए। तो बाकी हम लोगों के लिए वो बनेगा बाद में, रात में शायद वो बनाएंगे मम्मी अभी, तो मतलब रात में वो खाया जाएगा। अभी खाना बना लेने के बाद दिन का, उसके बाद उसको बना देगी मम्मी, हम लोग रात में खाएंगे। और फिलहाल अभी बेटे का भुजिया बन रहा है एक साइड, दाल बन चुका है और राइस बैठा हुआ है दूसरी साइड। उसके बाद वो छोटी वाली जो मछली लाई हूँ मैं, मतलब हम लोग गए थे बाहर, तो जो आया हुआ है वो बनेगा। वो रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, एकदम छोटा छोटा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, मम्मी भी थोड़ा कुछ काम कर रही है दूसरी साइड में, आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
फिश क्लीन हो चुका है, ये ऑलरेडी क्लीन था, तो इसमें जो मतलब जो निकालना रहता है, साफ करना रहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बस मम्मी ने अच्छे से वॉश किया 10-12 पानी से, उसके बाद लाके इसको ऐसे बेटा पकड़ा हुआ है कि बाकी जो पानी है वो निकल जाए, और उसके बाद ये मम्मी बनाएगी। लोग बाहर आए हुए हैं कुछ शॉपिंग करने, ठंडी की हम लोग जाने वाले हैं तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। और कल सडनली मिक्सी भी ख़राब हो गया है तो वो भी लेना था, तो मैंने आके देखा, रेट वगैरह पूछा, उसके बाद देखते हैं। अब कल शायद भाई के साथ या फिर हम ही लोग को आना पड़ेगा ले जाने के लिए मिक्सी, तो मैंने आके एक बार थोड़ा देख लिया कि क्या रेट है वगैरह, और उसके बाद अब चलते हैं दुकान की तरफ, क्योंकि कुछ सर्दी के कपड़े लेने हैं बेटे के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लेके नहीं आई थी उसके लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है। मुझे भी दो ट्राउज़र लेना है, अगर पसंद आ जाएगा तो ले लूँगी। और बच्चे दोनों साथ में ही आए हैं, और बगल के पार्क में वो लोग झूला झूल रहे हैं, तो हमने बोला कि जब बगल में ही मार्केट है तो उन लोगों को झूला झूलने दो, चलो हम लोग अपना काम भी निपटा लेते हैं। 1 घंटे में तो हम लोग भी वापस आ ही जाएंगे, वो लोग भी झूला झूल ही रहे हैं, तो चलिए मार्केट चलते हैं। बाहर से शॉपिंग करके मैंने अपने लिए भी दो ट्राउजर लिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे मिल गया, थोड़ा कॉस्टली पड़ गया। नॉर्मली हम लोग जैसे कि फुटपाथ से मैं शॉपिंग करती हूँ, घर की चीजों को आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉस्टली था, बट हाँ मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, तो मैंने अपने लिए वो लिया। और बेटे के लिए ट्राउजर और थोड़ा गर्म स्वेटर टाइप था, स्वेटर ही है ऑलमोस्ट, वो लिया। पापा ने दिया था कपड़ा खरीदने के लिए तो मैंने वही ले लिया, उसके पास यहाँ ठंडी के लिए कुछ नहीं था, गाड़ी में जाएगा तो फिर ठंडी लगेगी, तो मैंने सोचा वही ले लेते हैं। और फिलहाल उसे ट्राई भी कर लिया, उसमें बहुत अच्छा फिट हो रहा है, मैंने भी ट्राई कर लिया, बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया था उसने ट्राउज़र का। और अब चलते हैं खाना बनाने की तरफ, क्योंकि पापा को भी थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है, वो अभी आए हुए हैं नाश्ते में, मेडिसिन लिया है उन्होंने, बोले थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है, तो फ्रेश होकर अभी फिर वापस जाएंगे ड्यूटी, और हम लोग चलते हैं किचन की तरफ खाना बनाने। आपको तो पता ही है कि खाना तो बनाना मस्ट है, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के किचन की तरफ। गुड मॉर्निंग, वॉक कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं घर की तरफ, और यहाँ पे बैठ के मैं व्यू का नज़ारा ले रही थी 5 मिनट, थोड़ा बहुत अच्छा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो चलिए अब चलते हैं घर, 7:30 होने वाला है, थक भी गए हैं वॉक करते करते, चलिए। और ये मिक्सी आ चुका है, भाई रात में ही मिक्सी लेके मॉल से चला आया था, तो वही खोल के दिखा रहा है, और उसके बाद हम सब नाश्ता करने बैठे हैं। पटना जाने के बाद मैं जब सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करूँगी वो ये है, साथ में बैठ के खाना खाना।